दुनिया में कितने किस्मों के पत्थर होंगे मैम एक ही नहीं हो तुरा आप, आप कुछ मत लिखिए तुरा मैम हाँ जी मैम इनमें हाँ ये नहीं? हार्ड रॉक कौन है हार्ड रॉक कौन है ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रेनाइट है हार्ड रॉक यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है जो कि हार्ड रॉक्स माने जाते हैं ग्रेनाइट जो है ये हार्ड रॉक माना जाता है प्यूमाइस भी हार्ड रॉक में आता है ठीक है तो ये ऑलमोस्ट सब हार्ड रॉक है अब कुछ हार्ड रॉक्स ऐसे है जो सब सॉफ्ट रॉक कौन सा तो होता है सॉफ्ट रॉक मैंने आपको कल बताया जो सॉफ्ट रॉक होता है उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे आज हमें वही पढ़ना है कि सॉफ्ट रॉक में क्या क्या आता है लेकिन जो यहाँ पर ये पिक्चर्स है ना इसमें सॉफ्ट रॉक कोई नहीं है ये खाली हार्ड रॉक्स है जिसकी पिक्चर मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूं ना ये सारे हार्ड रॉक्स है लेकिन अब कुछ किस्मे हार्ड रॉक्स के ऐसे होते हैं जो सबसे हार्ड माने जाते हैं इन पे जो ये पिक्चर है ना जो यहाँ पर ये इतने सारे पत्थर है इनमें से सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो ग्रेनाइट है ठीक है ग्रेनाइट के बाद दूसरा आता है सैंड स्टोन. वो ने है वो इसमें लेकिन सैंडस्टोन और ग्रेनाइट जो है ये सबसे ज़्यादा है। हाँ वो आपकी बुक पर है तो जो मैंने यहां पर ये यह पिक्चर आपको दिखाई यहां पर मैं ये आपको शेप्स दिखा रही हूं शेप्स कैसी कैसी होती है अगर आप देखोगे ये गैबरोसाइट ये दूसरा है हिर्जोलाइट विदर्ट क्रस्ट पैगमा टाइट आपको ये अभी पढ़ना नहीं आएगा इनके नाम तो ये मैं से बना है ना इंडिया गेट बेटा आप पहले आ, मेरा सुनिए ना पहले मेरा सुनिए मैं आपको सब बताऊंगी उसके बाद जब मैं आपसे सवाल करूंगी जब आपको नहीं आएगा उनका जवाब देना या आपको लास्ट में जहां पर कंफ्यूजन होगा उस टाइम आप क्वेश्चन करेंगे ठीक है फिलहाल अभी मुझे आप पढ़ाने दीजिए तो जो ये पिक्चर मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की है यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस किस शेप की जो पत्थर होते हैं इनकी शेप्स कैसी होती है तो इस पिक्चर से आपको सीधे पता चल रहा होगा कि सब पत्थर जो है एक जैसे नहीं दिखते हैं इनकी शेप्स डिफरेंट होती ये इनकी इनका कलर जो है वो डिफरेंट होता है कल मैंने आपको और एक पिक्चर शेयर की थी जिससे जहां पर कलर्स जो है इनके रॉक्स के वो मैंने दिखाए थे मैं फिर से यहाँ पर आपको वो वाली पिक्चर दिखाऊंगी क्योंकि कल बच्चे एब्सेंट थे वो देखेंगे कलर जो है देखिए ब्लैक है लाइट ये ना ग्रीन कलर है ये और ऑरेंज है उसके बाद ये आ, हल्का सा ऑरेंज इसमें है ग्रेनाइट में स्कोरिया ये थोड़ा ब्लैकिश है डार्क आ, ब्राउन भी कह सकते हैं या लाइट आ, मुझे यहाँ पर नहीं ये लाइट हाँ मैंने बोला था ये सॉफ्ट रॉक है लेकिन बेटा मुझे आ, ऐसे तो दे, देखने में लगता है ये सॉफ्ट रॉक है क्योंकि एक रॉक ऐसा ही है जब हम इसको हाथ में उठाते हैं ना तो वो आ, मतलब वो उसका चूरा बन जाता है वो डस्ट बन जाता है वो स्कोरिया जैसा ही है तो ये बसॉल्ट है दूसरा इसका आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का है ठीक है सॉफ्ट रॉक्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कि सॉफ्ट रॉक कौन कौन सा है आप ये भी दिमाग में रख सकते हो आप जितने भी रॉक्स देखते हो उनमें से ऐसा रॉक जो होगा जो हाथ में उठाने से जिसका डस्ट डस्ट में जिस जो चेंज हो जाएगा वो सॉफ्ट रॉक है पहले अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगी सैंडस्टोन के बारे में कल मैंने आपको हार्ड रॉक जो है ग्रेनाइट उसके बारे में पढ़ाया था कि जो हार्ड रॉक ग्रेनाइट है वो हार्ड रॉक माना जाता है वो हम फ्लोरिंग में इस्तेमाल करते हैं कहा था ना हम घरों में वो इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा घर जो है वो डेकोरेट भी हो जाता है जचता है मार्बल वगैरह इस्तेमाल करने से हम काउंटर्स में भी कौन टच कर रहा है आयत मुझे क्यों बार बार बोलना पड़ता है कि स्क्रीन को टच मत करो स्क्रीन को टच मत करो आज अब हमें पढ़ना है सैंडस्टोन के बारे में सब बच्चे आ, अपनी बुक की ओर नजर रखेंगे सैंडस्टोन इट इज आल्सो अ हार्ड रॉक बट नॉट एज हार्ड एज ग्रेनाइट इंडिया गेट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन ये आप देख सकते हैं ये सैंडस्टोन ये भी हार्ड रॉक है लेकिन जितना हार्ड ग्रेनाइट है उतना हार्ड ये नहीं है लेकिन इसको भी हम हार्ड रॉक में शुमार कर सकते हैं हम इसको हार्ड रॉक में मान सकते हैं बट ये आपको याद रखना है अगर कोई आपको बोलेगा कि सबसे है तो वो ग्रेनाइट है ठीक है दूसरे नंबर पर फिर आता है सैंडस्टोन तो अगर आप यहां पर ये यह पिक्चर देख रहे होंगे ये 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 इंडिया इंडिया गेट गेट की पिक्चर है 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 जो किससे बना है? सैंड स्टोन से बना से ठीक जिस पत्थर से ये इंडिया गेट बना है उस पत्थर का नाम है सैंडस्टोन ये ग्रेनाइट से नहीं बना है ठीक है इसके बाद है और एक स्टोन आता है उसको हम बोलते हैं मार्बल ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल आप ये देखिए ये वाली व्हाइट कलर का जो ये पत्थर है इसको हम मार्बल कहते हैं जो ताजमहल है वो किस पत्थर से बना है वो मार्बल से बना है ठीक है है ना कोई आ, मार्बल हम लगाते हैं पहले क्या करते थे पहले पहले यहां पर व्हाइट कलर का ही आता था जिसको हम मार्बल कहते थे मगर ये चमन यक्ष पर सब पत्थरों को चाहे वो ब्लैक हो ग्रीन हो सबको मार्बल ही कहते हैं लेकिन वो मार्बल नहीं होता है मार्बल जो व्हाइट कलर का आप पत्थर देखोगे जो लोग घरों में लगाते हैं स्टेयर्स पर यूज करते हैं या कॉरिडोर में इस्तेमाल करते हैं या जो ताजमहल है वो किसका बना है वो मार्बल का बना है वो ग्रेनाइट का नहीं है ग्रेनाइट नाइट ब्लैक कलर का हम देखते हैं खासकर ज्यादातर जो ग्रेनाइट है वो ब्लैक होता है हर एक स्टोन का अपना अलग-अलग नाम है ठीक है और कलर भी इनका डिफरेंट होता है तो इंडिया गेट जो है हम क्यों नहीं बोलते हैं वो मार्बल से बना है क्योंकि वो मार्बल से बना ही नहीं है वो जो येलो कलर का स्टोन उसमें यूज हुआ है वो है सैंडस्टोन हम मत बोलेंगे ये ग्रेनाइट इस पर हमने लगाया है या मार्बल इस पे लगाया है नहीं मार्बल मैम आप और पिक्चर्स दिखाई पत्थरों की मैं कल मैं कल क्लास में ही नहीं थी बेटा इसीलिए रोज रोज क्लास में प्रेजेंट रहना होता है ना इससे पहले जब मैंने मैं, शुरू किया आप लेट आई क्लास में मैंने पत्थरों की पिक्चर्स दोबारा तो से कैमरा में ही दिख रहा है बेटा मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर किया है पहले से ना सब जो भी आपने दिखाई है Keep quiet. Keep, keep quiet, students. आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को जो बच्चे कल एबसेंट थे उनको एबसेंट नहीं रहना चाहिए था और उसके बावजूद भी मैंने आपको पहले ही दिखाई है पिक्चर्स जब लास्ट में टाइम मिलेगा मैं फिर से दिखाऊंगी फिर से बताऊंगी बीच क्लास में आप बात मत किया कीजिए जिनको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर की है पिक्चर बुक की वो देखिए आप सब बच्चे खामोश बैठेंगे तो मैं बता रही थी जो ताजमहल है वो मार्बल से बना है मैं आपसे अगर सवाल करूंगी ताजमहल किस रॉक से बना है आपको बोलना है मार्बल या कभी सवाल आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आगे जाकर किसी भी वक्त आपको किसी भी क्लास में किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रॉक्स के बारे में तो वहां पर ऐसा भी सवाल होगा इंडिया गेट किस रॉक से बना है आपको सैंडस्टोन पर टिक मारनी है या सवाल मैं... होगा ताजमहल किस रॉक से बना है आपको मार्बल पर टिक मारना है या सवाल होगा सबसे हार्ड रॉक कौन सा माना जाता है वहां पर